अभी एज सच कोई राइड का प्लान तो नहीं था, बट वेदर इतना अच्छा है तो मुझे लगा एक छोटा सा राइड हो जाए। तो लेट्स सी कि कहाँ हम पहुँचते हैं, कहाँ जाते हैं। तो इट्स गोना बी अ शॉर्ट राइड, सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज़ हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड वील कीप यू पोस्टेड फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़। पीसफुल होगा या सीनिक होगा अभी यहीं पे लगता है। बट मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगती है कि यहाँ पे निकालना बाइक मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। इट इज़ वेरी टाइट क्योंकि मेरे लेग गार्ड्स हैं और ये क्लासिक के लेग गार्ड्स थोड़े वाइड रहते हैं, तो इट्स लाइक इक्वल इन स्पेस, यू कैन नॉट जस्ट डू अ फ्लाई बाय। थोड़ी देर के लिए इट्स अ ब्रेक टू जस्ट टू रिजुविनेट माई सेल्फ एंड कुछ चीज़ें बात करूँगा मैं आज सोलो राइड के बारे में। एक चीज़ तो ये, लास्ट टाइम मैंने बात करी थी कि यू शुड ऑलवेज़ कैरी समथिंग टू ईट ड्रिंक एंड यू नो बेसिक थिंग्स जो भी हैं आपकी, जैसे कि कोई थोड़ी बहुत मेडिसिन वगैरह है वो भी कैरी कर लो। दूसरा ये है कि आपके जो राइडिंग ग्रुप हैं या नियर एंड डियर्स हैं उनको अपनी लाइव लोकेशन हमेशा आप शेयर करते रहें, क्योंकि रीज़न क्या होता है, यू आर ऑल अलोन ऑन द रूट, सिचुएशंस कभी भी एडवर्स हो सकती हैं, कोई सिचुएशन आ जाए तो दे कैन ट्रैक यू के क्या सिचुएशन है। मैं क्या करता हूँ कि मेरा राइडिंग ग्रुप है उसमें मेरे खुद बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनको मैं अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर देता हूँ। दे आर अप टू द मार्क, मतलब अपडेटेड रहते हैं, सॉरी मैं ये कहूँगा अबाउट द इंफॉर्मेशन कि मैं कहाँ राइड कर रहा हूँ, किस जगह राइड कर रहा हूँ, किस किस लोकेशन पर गया हूँ। प्लस मैं कभी कभी अपने पेरेंट्स को भी शेयर कर देता हूँ। तो कोई ना कोई होना चाहिए जिसको आपकी लाइव लोकेशन हो और उसे पता रहे, जो इमीडिएटली एक्सेसिबल। दूसरा ये है कि मैं हमेशा ये कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है राइड में आपको कहीं जाना ही है, मतलब कोई ऐसी जगह जो अनकवर्ड है। अगर आप जर्नी को देखें, जर्नी भी बहुत अच्छी हो जाती है और बहुत सुंदर हो जाती है। यू कैन सी अराउंड। अब ये जो सारी जर्नी है ये सिर्फ सीनिक ब्यूटी है और जो पूरे राइड में आज मैं कवर करता आया हूँ। सो अभी इफ़ यू सी द रोड, अभी ये एम्प्टी है बिल्कुल, और ये इसी टाइप का हाईवे जो एक सीनिक हाईवे है उसमें मेरे को मज़ा आ रहा है राइड करते हुए। और यही कहूँगा कि आज का जो राइड है, विच इज़ अगेन आई एम कैरिंग माई क्लासिक 500, और ये वो टाइम है जिस टाइम पे अर्ली मॉर्निंग है, संडे है, और तो वैसे ही रोड्स पे ट्रैफिक कम है, और अपने स्पीड पे आप रेगुलर स्पीड पे आप चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपना सीन को एंजॉय कीजिए, और पानी का ज़रूर मैं ये कहूँगा कि पानी ज़रूर आप अपने चेक करते रहें टाइम एंड अगेन, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। पी लिया है, थोड़े बिस्किट्स खा लिए हैं, थोड़ा अपन रिजुविनेट हो गए हैं, और अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या डेस्टिनेशन है, कहाँ लेके जाती है रोड हमें, और कैसे हम इंजॉय करते हैं, क्या क्या सीनिक ब्यूटी आगे देखने को मिलती है। और दूसरा ये भी हो जाता है, व्हेन आई कीप ऑन एक्सप्लोरिंग दीज प्लेसेस, तो कभी कोई शॉर्ट राइड करनी हो और कोई जगह जाना हो तो ग्रुप के साथ भी, तो एक एक्सेस पॉइंट रहता है, एक आपको याद रहता है कि हाँ आप इस जगह गए थे, एंड यू कैन शेयर विद योर ग्रुप आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द राइड नाउ। अब क्योंकि जो रेस था वो हो गया है, बाइक को भी थोड़ा आराम मिल गया है, एंड अभी देखते हैं आगे वेदर कैसे होने वाला है। अभी तो क्लाउडी ही दिख रहा है ऊपर, देख जितना मुझे नज़र आ रहा है सारा क्लाउडी ही वेदर है, कोई ऐसा धूप वगैरह तो नहीं है। और दूसरा ये भी होता है ना कि क्लाउडी अगर वेदर हो थोड़ा तो राइड आपकी कंफर्टेबल हो जाती है, बहुत कंफर्टेबल हो जाती है। और मुझे लगता है ये जो राइड है ये ज़्यादातर इसलिए भी ब्यूटीफुल लग रही है क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है। तो शुरू करते हैं वापस अपनी जर्नी। सो कोई भी राइड पे अपने आप को हमें ओवर स्ट्रेस नहीं करना है, अपना आराम से जब लगे ब्रेक लेनी है तो लेनी है, आराम से सीन को इंजॉय करना है और चलते जाना है। और वही मैं कर रहा हूँ, मतलब आगे सीन इतना ब्यूटीफुल है, ज़्यादा कोई स्पीड पे रखने की ज़रूरत नहीं, आराम से चलते रहो, जहाँ रुकना है वहाँ रुको। स्टॉप ऑन शेल पेट्रोल पंप राइट नाउ, दिस इज ओके। सो गुंडलू पेट में आई हैव स्टॉप फॉर रिफ्यूलिंग द बाइक, अभी बाइक इज आउटसाइड टेकिंग बिट ऑफ रेस्ट, आई विल टेक ऑफ द बैग फ्रॉम द बाइक। आजा।
सो बिकॉज थोड़ा बैठ के अभी रिलैक्स भी कर सकते हैं और विल हैव सम कप नूडल्स एंड ऑल. सो अभी कुछ कोई सर्विंग तो है नहीं यहाँ पर, कोई भी चीज़ कुछ भी चीज़ सर्व नहीं होगा, बट देन लेट्स सी के क्या व्हाट इज़ अवेलेबल राइट नाउ. एंड दिस इज एज यूजुअल फूड विच वी हैव गॉट. सो सम कप नूडल्स, बिट ऑफ वाटर एंड देन कोल्ड ड्रिंक, विल हैव दैट. एंड दिस इज हाउ आई एम थिंकिंग दैट आई विल बी स्पेंडिंग रेस्ट ऑफ द टाइम राइट नाउ. We put some charging points here. Let me see some charging points. अगर कोई चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है तो. हाँ, अब एक चीज़ और मैं सोलर राइड पर एक चीज़ और बोलूँगा कि डोंट जस्ट पुल इट अक्रॉस, इन द सेंस कि अब तो मुझे डेस्टिनेशन पर रुकना है या मुझे 100-150 किलोमीटर कवर करना है. रुकते हुए चलो, टेक ब्रेक्स. रीज़न क्या है, उससे आपकी बॉडी भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होती है, आप ज़्यादा लंबे डिस्टेंसेज कवर कर सकते हो एंड वो प्लेजेंट रहती है राइड. बिकॉज रीज़न क्या है ना कि अभी आपके साथ राइड पे बात करने वाला कोई नहीं है. सो इधर यू कैन लिसन टू सॉन्ग्स विच इज़ देयर इन द इंटरकॉम और यू कैन प्रॉबेबली इन्जॉय द ब्यूटी. सो दिस इज़ इट. सो यू हैव टू, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ बीइंग मेंटली हेल्दी व्हेन यू आर राइडिंग, वो चीज़ है. क्योंकि मेंटली हेल्दी एंड फिजिकली हेल्दी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और वही आपको जो आपके फ्रैक्शंस में डिसीजन लेने होते हैं, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में डिसीजन लेना होता है व्हाइल ऑन द रोड, दैट विल हेल्प यू टू कीप द डिसीजन कूल. वी आर रेडी विद आवर फूड. अभी वी हैव ओनली ऑप्शन ऑफ से कप नूडल्स, और कप नूडल्स के अलावा भी और कोई ऑप्शन ज़्यादा है नहीं. तो आई एम जस्ट कैरिंग कप नूडल्स आउट हियर. एंड हॉट वाटर तो आपको कहीं से भी मिल जाता है, तो यू कैन टेक वो हॉट वाटर फ्रॉम एनीवेयर एंड यू कैन ईट योर कप नूडल्स. दिस इज चिकन नूडल्स राइट नाउ. So almost we have done with the food. अब we'll start back. अभी क्या है, सारे gadgets में battery power भी check कर लिया है. And then what I'm thinking is now we'll resume back the journey. और थोड़ा सा relax भी कर लिया, back rest हो जाता है और एक आप आराम से अपनी body को भी stretch कर लेते हो जब भी आप ऐसी कोई break लेते हो. फिलहाल तो मैं अभी गुंडूपेट गेट के शेल पेट्रोल पंप पे हूँ और यहाँ पे ये है कि सब खाने पीने का सामान अवेलेबल है. एंड और ये भी चीज़ रहती है कि एक सेफ इन्वायरमेंट रहता है, मैं भी यूज़ करता हूँ, हाइजीनिक है, यूज़ गॉट क्लीन टॉयलेट्स. सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द मेजर थिंग्स टू लुक फॉर इन योर स्टॉप. लेट्स स्टार्ट बैक द राइड. वी आर ऑन द सीनिक रूट अगेन ऑफ बांदीपुर. सो अब यहाँ पे ये है कि पीसफुल राइड करेंगे, मतलब कोई ज़्यादा स्पीड वैसे भी पहले भी हम स्पीड पे नहीं आ रहे थे, बट इन्वायरमेंट ही इतना बढ़िया है कि जो सीन है वो बहुत बढ़िया आ रहे हैं आज सामने. और दूसरा ये बारिश के बाद है ना, ये जो विजिट है मेरा बारिश के बाद है, तो बारिश के बाद वैसे ही जंगल हरा भरा हो जाता है. ज़्यादा स्पीड चलाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है और ज़रूरत फ़ायदा क्या. इनफैक्ट ये जगह ही ऐसी नहीं है कि जहाँ आपको ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको ज़्यादा सीन एंजॉय करना है. सीन एंजॉय करते चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं और देखते चलते हैं. वेदर भी अच्छा है, कोई ज़्यादा धूप नहीं है, ये एक सॉफ्ट धूप है जिसको आप कह सकते हैं ना, बहुत सॉफ्ट धूप होती है और रोड पर वो फर इसी तरह है. यहाँ का फर वहाँ से दिख रहा है. हमारी एलिफेंट मार्किंग भी है, एलिफेंट जोन, डू नॉट स्टॉप, वी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैक बाई एलिफेंट. या ऑब्वियसली, सो एसेंशली यू शुड नॉट स्टॉप हियर बिकॉज देयर इज अ चांस दैट यू नो एलिफेंट्स माइट अपीयर एंड दे माइट अटैक. एंड वंस द एलिफेंट गेट चार्ज, उसका कोई फिर स्टॉपिंग पॉइंट नहीं होता है एंड यू कैन नॉट स्टॉप एन एलिफेंट. और ये हैं हमारे हेयर पिन बेंड्स और हम स्लो ही राइड करेंगे अभी ताकि सीन पूरे एंजॉय कर सके. पूरा सीन देखिए, हाँ अमेजिंग. एक तो रोड क्वालिटी इतनी बढ़िया है, ऊपर से ये जो सीन है एकदम सामने हिल्स हैं और हिल्स पे क्लाउड्स हैं, मन ही नहीं कर रहा है यहाँ आने का. और जैसे जैसे हम और अंदर जाते जाएंगे फॉरेस्ट के, तो यही होगा कि द नॉन्स आर लिटिल मोर इवन टाइटर. वहाँ आपके आगे शायद थोड़े और बोर्ड आने लगेंगे. नो स्टॉपिंग, नो पिकनिक. सो देयर यू कैन सी डियर्स, अ लॉट ऑफ डियर्स.
अब ये है कि यहाँ पे शेर ना आए, बस यही है। शेर वैसे रोड पे आएगा नहीं, डियर्स हैं पर ठीक है, जैसे भी है, लॉट ऑफ डियर्स हैं यहाँ पे भी। डियर्स हैं, ये भी डियर हैं, ये डियर्स लाइन बना के चल रहे हैं। और ये कौन से, ये बारहसिंगा है, दिस इज बारहसिंगा, बहुत डेंजरस रहता है। ये डियर है, डियर के साथ बारहसिंगा है, ओ ये सब लाइन बना के चल रहे हैं। बांदीपुर का रिसेप्शन भी मतलब क्लोज लग रहा है, और उन्होंने पार्किंग को भी रेल किया है उधर। लेट्स सी कि आगे क्या है, आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। सही में बोलूँ क्लासिक का अलग ही मज़ा है यार, कंफर्ट। इस टाइप की रोड के जो कंट्री साइड रोड्स हैं या फॉरेस्ट रोड्स हैं, इसमें तो मुकाबला नहीं है क्लासिक का। ये एक कंफर्टेबल बाइक है, एक नॉर्मल स्पीड पे चलता है, एंड यू कैन एंजॉय ऑल द सीन। और दूसरी बात यह है कि आप दिन भर घंटों भर राइड कर लो इस पर, कम्फर्ट आपका कम नहीं होगा। और ये मैं बोलता हूँ इसके एक एक चीज़ और भी इसमें फैक्टर इन हो जाती है कि यार हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, तो हो सकता है मेरे बॉडी स्ट्रक्चर पे ये ज़्यादा मतलब फेवरेबल हो। बहुत ही बढ़िया सीन है यार, मतलब मज़ा आ रहा है। यही एक अल्टीमेटली राइड होती है जिसको आप देखने के लिए आते हो, एक्सपीरियंस करने आते हो। यही तो बस थ्रॉटल खींच के एक उस पर बैठ जाना ठीक है बाइक पे, और आगे आगे चलते जाना बस, वो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन द सेंस जितना भी ट्रैवल होना चाहिए वो फन होना चाहिए, मज़ा होना चाहिए। करने दो सर, मतलब मुझे लगता है कि लॉकडाउन की वजह से मतलब जानवरों और पक्षियों के भी हौसले बुलंद हो गए हैं रोड पे आने के। बट हाँ ठीक है, थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा कि आगे जाके फिर तमिलनाडु का बॉर्डर आ जाएगा, और वहाँ तक के हमारे अभी वैसे भी इंटरस्टेट बॉर्डर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो अभी हम अपने कर्नाटका में ही हैं, कर्नाटका से ही अब हम वापस फ्यूल रिटर्न बैक। तो इट वॉज़ फन, ये मोर दोबारा आ गया हमारे पास, हाई मोर बाय मोर। यहाँ पे भी है तो फुल ग्रोन बारहसिंगा है, लाइन में चल रहे हैं। देखो बाय बाय, आगे वाले का सर देखो। सो नाउ वी आर गेटिंग बैक टूवर्ड्स बैंगलोर, आई मीन टूवर्ड्स बैंगलोर, यानी हमने वापस शुरू कर दी अपनी जर्नी फ्रॉम बांदीपुर। अब ये होगा कि हम अपना आराम से वापस रिटर्न करेंगे और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे जैसे ही हम बांदीपुर से बाहर निकलते हैं। उसके बाद प्रॉब्ली ग्रुप में एक दो लोगों को किसी को कॉल करना है। मैं सोच रहा हूँ अमित को कॉल कर दूँ, अमित का मैसेज आया था मुझे, तो आई विल गिव अ कॉल टू अमित। तो पूरी राइड पे मैं बात करता रहा, बीइंग सेफ, बीइंग काम, स्लो स्पीड, एक रेगुलर स्पीड। बट हुआ क्या कि किसी और की गलती की वजह से मैं बाइक, मेरा बाइक हिट हो गया, और देर वॉज सम इशू एंड दैट हैड टू बी सेटल्ड एंड इट टुक टाइम। सो वही पूरा दिन बर्बाद हुआ, पूरा टाइम वेस्ट हुआ, जो जिस बाइक के साथ किसी का एक्सीडेंट हुआ था मुझे वहाँ पे रिजॉल्व कराना पड़ा, एंड देन आई हैड टू गेट आउट, एंड इट टुक नियरली 6 hours, 5 to 6 hours। तो अंधेरा हो गया, मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि अब मेरे को बैंगलोर पहुंचना है, और बीच में वेदर भी ख़राब है, दूर तक अगर बाइक में ब्रेक डाउन होता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है,
तो कोई शॉप भी नहीं दिख रही है, ना कोई शॉप खुली है, ना किसी का घर खुला है, इट्स ऑल जंगल में जाकर। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है, लोग ट्रैफिक भी कम होता जा रहा है और मुझे गाड़ियाँ भी कम ही दिख रही हैं रोड पे। मैं अकेला ही रोड पे चलता जा रहा हूँ एंड मैंने अपनी लाइव लोकेशन से रोड को भी शेयर करी है और मनीषा को भी शेयर की है। बस आई एम प्रेइंग टू गॉड कि सेफली मैं पहुँच जाऊँ और मुझे अभी नेक्स्ट ब्रेक लेना है एंड गेट माई सेल्फ हाइड्रेटेड। तो अभी कोई भी शॉप आएगी नेक्स्ट थोड़ी सी जहाँ पे चहल पहल होगी, एल एंड स्टॉप देयर एंड टेक अ ब्रेक, थोड़ा बैक रेस्ट भी लेना है। बट रोड ठीक है अगर लाइट्स मेरी बहुत पावरफुल हैं। सो फाइनली मैंने अपना डेस्टिनेशन जो कि बैंगलोर था, मेरा घर था, वो सेफली मैं पहुंच गया वहां तक और लाइव लोकेशंस तो सभी के पास थी एंड देन आई प्रेड टू गॉड कि थैंक गॉड आई रीच सेफ था।